ऊर्जा के लिए जीवाश्म और जैव ईंधन को जलाना, कृषि अवशेष और कचरे को जलाना एवं प्राकृतिक तथा मानव निर्मित स्रोतों से उड़ने वाली धूल वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। वायु प्रदूषण जलवायु संकट के प्रमुख कारकों में से भी एक है। शायद इसलिए ही इस वर्ष विगत जून में विश्व पर्यावरण दिवस का वैश्विक आयोजन चीन के हांगझू में हुआ। इस आयोजन का थीम वायु प्रदूषण रहा। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने दिखा दिया है कि सख्त नीतियों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का एक साथ इस्तेमाल करके किस प्रकार वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इससे सवाल उठता है कि क्या हम भारत में ऐसा कर सकते हैं? हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 1.6 से 1.7 बिलियन टन जीवाश्म ईंधन जलाते हैं। इसमें से 55% कोयला और लिग्नाइट है, 30% जैव ईंधन और 15% तेल और गैस जलाया जाता है। जैव ईंधन और कोयला पूरी तरह नहीं जलता, इसलिए यह सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है और इस प्रकार बिना जले कार्बन और अन्य प्रदूषकों का बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करता है। जैव ईंधन की एक और समस्या ये भी है कि चूल्हों पर प्रदूषण नियंत्रक उपकरण नहीं लगाए जा सकते और इस प्रकार सारा प्रदूषण वायुमंडल में घुल जाता है। दूसरी ओर प्राकृतिक गैस सबसे साफ ईंधन है, जबकि तेल के उत्पाद मध्यम श्रेणी में गिने जाते हैं। जहां कोयले का इस्तेमाल अधिकांशतः बिजली बनाने के लिए और उद्योगों में किया जाता है, वहीं जैव ईंधन जिसमें लकड़ी जलाना, कृषि अवशेष और पशु अपशिष्ट शामिल हैं, का इस्तेमाल मुख्यतः खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में होता है। लगभग 50% तेल का इस्तेमाल परिवहन में, 40% का इस्तेमाल उद्योगों में और 10% का इस्तेमाल घरों में मिट्टी के तेल के रूप में किया जाता है। गैस का उपयोग बिजली बनाने, परिवहन और खाना बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त खेतों में हर वर्ष फसल के बाद 10 से 15 करोड़ टन कृषि अवशेष जलाया जाता है। शहरों में दैनिक उपभोग से उत्सर्जित कचरा जलाना भी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। लेकिन हम कितना कचरा जलाते हैं, इस बारे में कोई सही अनुमान उपलब्ध नहीं है। भारत में प्रति वर्ष 6 करोड़ टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 25% को ही प्रसंस्कृत यानी के रिसाइकल किया जाता है और बाकी को खुले में फेंक दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। यदि ये मान लिया जाए कि 1/3 से 1/4 कचरा खुले में जला दिया जाता है, तो इसका अर्थ है कि हम प्रति वर्ष 1.5 से लेकर 2 करोड़ टन कचरा जलाते हैं। कुल मिलाकर हम प्रति वर्ष 1.8 से 1.9 अरब टन जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन और कचरा जलाते हैं। इसमें से 1.5 से लेकर 1.55 अरब टन या 85% हिस्सा कोयले, लिग्नाइट और जैव ईंधन का है। ये सबसे अधिक प्रदूषक ईंधन है। यदि हम केवल जलाए जाने वाले सामान की मात्रा को देखें, जिसकी अच्छी खासी मात्रा है, तो पूरे भारत में 85% वायु प्रदूषण कोयला और जैव ईंधन जलाने से ही होता है। वहीं तेल और गैस से होने वाला प्रदूषण 15% से भी कम है। इसलिए जब तक हम विद्युत संयंत्रों, उद्योगों, घरों और खेतों में कोयले और जैव ईंधन के जलने से होने वाले उत्सर्जन में पर्याप्त कमी नहीं लाते, तब तक प्रदूषण को कम नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परिवहन क्षेत्र या कचरा जलाना कोई समस्या नहीं है। शहरों में ये प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। वायु प्रदूषण पूरे भारत की समस्या है। लगभग हर भारतीय ऐसी हवा में सांस ले रहा है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता मानदंडों के अनुसार असुरक्षित पाया गया है।